हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्विज है कंटिन्यूटी लिमिटेशन सिलिबिटी के जो है क्वेश्चन जो है आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे लेट्स ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन बी एन पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर बी एन पॉजिटिव इंटीजर ऑफ ए अर्थमेटिक ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ लेट ए वन एन टू बी एन पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ बी इक्वल टू बी जीरो बी इज ग्रेटर देन जीरो इफ डी इज कॉमन डिफरेंस डी इज ग्रेटर देन जीरो देन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी टू देन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी डी अपॉन एन स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या जाएगा? वन प्लस ए वन प्लस टेन टू वन प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस वन प्लस ए थ्री प्लस ए फोर एंड सो अब वन प्लस ए एन माइनस वन प्लस एन। देखो फिर एक क्वेश्चन है कि कोई जो है लेट ए वन बी टू एन टू पॉजिटिव कंजेटिव इंटीजर, बोले क्या करें उसको कंजेटिव इंटीजर है ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के है इफ डी इज इक्वल टू जीरो इफ कॉमन डिफरेंस डी देन लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी टू इसकी जो है वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है भैया इसकी इसकी जो है वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर ये कहीं भी ऐसा आ जाए तो इसको हम सबसे पहले इसको जो है रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं तरीका सबसे पहले रैशनलाइज। अच्छा, अगर इसको सबको रैशनलाइज मैं करूंगा तो काफी लेंथ भी जाएगा, तो इसलिए मैं जो है सबसे पहले जो है एक पार्ट को उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करता हूँ। क्या आता है वन अपॉन जैसे वन अपॉन रूट ए वन प्लस रूट ए टू। ठीक, ये रूट ए वन प्लस रूट ए टू है इसकी जो है इसके ऊपर नीचे है रैशनलाइज कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ गया, ये आ गया वन की मल्टीप्लाई करके आ गया ए वन माइनस के ए टू अपॉन क्या जाएगा ए वन माइनस के ए वन माइनस के रूट ए वन का स्क्वायर रूट ए टू का स्क्वायर, ये क्या आएगा रूट ए वन माइनस रूट ए टू अपॉन ए वन ए वन माइनस के ए वन माइनस के ए टू। देखो अगर ये कोई ए पी में सीरीज है ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए, अगर कोई सीरीज है ये ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, तो डी क्या इक्वल होता है, डी इक्वल टू क्या होता है ए टू माइनस के ए वन होता है।
बी क्या होता है कॉमन डिफरेंस है ए टू माइनस के ए वन होता है, याद रखेंगे। या डी इक्वल टू सिंपल फॉर्मूला है ए एन माइनस वन। तो दैट इज यहाँ है ए वन माइनस ए टू, इसको ए टू माइनस ए वन लेने के लिए माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा माइनस, और माइनस की फिर अंदर माइनस इसे लिख सकता हूँ ए वन माइनस ए टू अपॉन बी, माइनस ए टू माइनस ए वन लिख लूंगा, यहाँ जो माइनस यहाँ जाएगा, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ जाएगा यहाँ से ए टू माइनस ए वन अपॉन बी। ठीक, आगे बात में देखो भाई यहां से क्या आ जाएगा ए टू, इससे क्या आ गया ए टू माइनस ए वन अपॉन बी, यहां से क्या आ जाएगा ए थ्री माइनस ए टू अपॉन बी, क्या जाएगा यहां से क्या आ जाएगा ए टू माइनस ए वन अपॉन बी प्लस यहां से क्या आ जाएगा ए थ्री माइनस ए टू अपॉन बी, यहां से क्या आ जाएगा ए फोर माइनस ए थ्री अपॉन बी प्लस यहाँ क्या आएगा ए एन माइनस वन अपॉन बी। ठीक, और बाहर ये क्या आ गया है, ये बी अपॉन एन, ये है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी चलेगा। देखो भाई अब इसमें से अगर मैं सारे में से डी कॉमन ले लूं, सारे में से डी कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा ये रूट ए टू माइनस ए वन प्लस ए थ्री माइनस ए टू अब टू ए एन माइनस वन। ठीक है, देखो भाई ए टू से ए टू जाएगा, ए टू से ए टू जाएगा, ये वाला ए थ्री से यहाँ ए थ्री जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ ये वाला ए एन और रूट ए वन, क्या हो जाएगा ये ए एन, क्या हो जाएगा ये ए एन माइनस के ए वन। अच्छा, और ये डी भी है, किस डी से, ये डी है, इधर है रूट डी, ये है ना रूट डी अपॉन डी, तो इसे डी को क्या करूंगा रूट डी अपॉन रूट डी मल्टीप्लाई रूट डी, रूट डी से रूट डी आएगा, तो क्या आ जाएगा ये वन अपॉन रूट डी, वन अपॉन रूट डी ये रहा और एन ही रहा, तो वन अपॉन एन रूट डी। ठीक, क्या जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी टू वन अपॉन एन डी रूट, ये क्या जाएगा यहां से रूट ए एन, रूट ए एन माइनस के ए वन, ए वन तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए वन ही है, फर्स्ट टर्म क्या है ये ए वन ही है, ए मान लो तो क्या क्या आ जाएगा ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी रूट ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए वन की वैल्यू ए आ गई वन अपॉन एन डी लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी। ठीक है, अब देखो अब इसका जो है एन का जो कोफिशियंट है जिसके नीचे आएगा सारे के नीचे वन अपॉन रूट एन डी से इक्वल टू नीचे लिख दो, ये यहाँ लिख लो एन डी। देखो भाई यहाँ भी एन की जो पावर है ये तो इसमें तो लिमिट लगाऊंगा, ये तो जीरो आ जाएगा इसके नीचे, ये तो रहने देंगे। देखो यहाँ जो है एन की जो मैक्सिमम पावर है हाफ है, और यहाँ भी एन की मैक्सिमम पावर है हाफ, अगर इनकी दोनों की मैक्सिमम पावर हाफ हो मतलब ये इक्वल हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो इनके कोफिशिएंट है वो इनके जो है जो इनके कोफिशिएंट है वो इनके वो इक्वेशन है दोनों कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है एन का यहाँ क्या है रूट डी, क्या जाएगा रूट डी, और इसका क्या जाएगा रूट डी, रूट डी से डी गया क्या आ गया वन, बताया था वो जैसे ये बताया था मैंने कल भी बताया था, ये बताया था ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए टू एक्स की पावर ए वन एक्स
ए एन एक्स टू पावर एन माइनस वन प्लस a1 इसमें बी इसमें बी एन इसमें क्या होता है बी एन एक्स की पावर एन प्लस बी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन बी एन तक ये बताया नहीं सारा ये तो इसके जो जो अगर इसकी ये पावर है तो इनके जो कोफिशियंट है वो आ जाते हैं न्यूमरेटर का कोफिशियंट अपॉन डिनोमिनेटर का कोफिशियंट। तो इसमें न्यूमरेटर का जो कोफिशियंट है एन एन का जो कोफिशियंट है ये क्या है रूट डी और यहाँ भी एन है इसका कोफिशियंट क्या है रूट डी अपॉन डी इक्वल टू वन हैंस लिमिट इक्वल टू वन। तो इसकी लिमिट क्या आ गई इसकी लिमिट आ गई वन। देखो ये क्या था एक सवाल ये सवाल था ये किसकी कोई जो है ये टर्म्स थी कंजर्वेटिव किसकी अर्थमेटिक एपी किसकी है एपी और इसका जो इसकी लिमिट निकालनी थी ये डी जो है इसकी वन फोन ए प्लस टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए टू प्लस ए थ्री ए थ्री प्लस फोर ए एन माइनस वन प्लस ए एन। इसको क्या कर दिया मैंने इस टर्म्स को ये सारे को ना करके पहले इसको रैशनलाइज करके तो सिंगल टर्म्स को देख लिया मैंने ये आ गया रूट वन अपॉन ए वन प्लस ए टू इसकी ए वन इसकी क्या करा इसके उल्टे से इसके उल्टे ऊपर नीचे जो रैशनलाइज करते हैं इसको करने के लिए मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा ये क्या आ जाएगा ये तो वन की जो की मल्टीप्लिकेशन आ गई ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट ए वन का स्क्वायर माइनस ए पी है ए वन ए टू अगर ये टर्म्स ये पी में है तो डी क्या होता है पी टू माइनस पी वन पढ़ाते ना सेकेंड टर्म्स माइनस के फर्स्ट टर्म ये है फर्स्ट माइनस सेकेंड तो ए वन माइनस ए टू है इसको तो माइनस कॉमन ले गए क्या हो जाएगा ए टू माइनस फिर ए वन ए टू क्या कहना माइनस से डी क्या जाएगा यहाँ माइनस के डी आ गया अब माइनस से दोनों मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा क्या ए टू माइनस फिर ए वन अपॉन ए टू माइनस फिर ए वन अपॉन डी आ जाएगा ठीक इसी तरह इसकी वैल्यू रख लूंगा इस तरह वैल्यू रख लूंगा इस तरह वैल्यू जब इसको रखूंगा ये मैं देखूंगा ये जो है कैंसिलेशन हो रहे हैं ए थ्री ए टू यहाँ से ए थ्री ए टू ए फोर हो जाएंगे तो क्या आएगा ए वन क्या हो जाएगा रूट ए एन माइनस के ए वन ए एन ए एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एन एफ टर्म एन एफ टर्म का फॉर्म में क्या था वो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये लगा दे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस माइनस रूट ए अपॉन रूट एन डी। अच्छा अगर मैं इसके लिए ये नीचे लिख लू दोनों नीचे इसके लिए नीचे लिख लू तो ये वन अपॉन रूट एन लिमिट लगा के तो जीरो हो गया इन दोनों की जो है एन की जो है ऊपर भी जो है पावर कितनी है हाफ नीचे भी कितनी है हाफ इन दोनों का जो कोफिशियंट है इसका कोफिशियंट एन का क्या है रूट डी नीचे क्या है रूट डी रूट डी है रूट डी दैट इज ऑल आंसर क्या हो गया वन आंसर क्या आ जाएगा ये वन। ठीक है बहुत अच्छा सवाल है ठीक है आगे बढ़े देखो आगे बढ़ जाए बहुत अच्छा सवाल है x इक्वल टू टू बी द रूट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन रूट ऑफ द वेयर x इक्वल टू टू बी रूट द ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो ये कोई इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक्स इक्वल टू टू इसका क्या है रूट है एक कोई फंक्शन है इफ गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू क्या फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू क्या है वन माइनस कोस वन माइनस कोस
एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स पी प्लस क्यू स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स पी प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एट क्यू प्लस सिक्सटीन प्लस एट क्यू प्लस सिक्सटीन अपॉन एक्स माइनस टू पी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू पी का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू पी का होल स्क्वायर हेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू टू पी हेयर एक्स नॉट इक्वल टू टू पी। ये है इसकी वैल्यू है एक्स इक्वल टू नॉट टू पी और अभी इसकी इसकी वैल्यू जीरो है, ये फंक्शन है एक्स इक्वल टू टू पी है एक्स इक्वल टू टू पी। अब इसकी लिमिट निकालनी है मुझे, फाइंड द लिमिट, लिमिट किसकी निकालनी है एक्स टेंस टू पी एक्स टेंस टू टू पी एक्स टेंस टू टू पी एफ एक्स एफ एक्स एक्स एफ एक्स इधर ये ग्रेटेस्ट फंक्शन है, ये वही है जो पहले बताया था मैं, बॉक्स भी कहते हैं इसको या जो है ये ग्रेटेस्ट फंक्शन। लिमिट एक्स टेंस टू पी एफ एक्स की क्या निकालनी है, फिर लिमिट निकालनी है यार ये भेयर ये लिखेंगे भेयर रूट इज द ये ब्रैकेट इज द ग्रेटेस्ट फंक्शन ग्रेटेस्ट ब्रैकेट है ग्रेटेस्ट फंक्शन का ब्रैकेट द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ग्रेटेस्ट फंक्शन का ब्रैकेट ठीक है। अब इसको क्या करते हैं देखो भाई x इक्वल टू टू ये जो क्या है x इक्वल टू टू भी द रूट ऑफ द इक्वेशन है किसका इक्वेशन किसका है इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू क्या है x इक्वल टू टू इस गिवन में x इक्वल टू टू लिखेंगे x इक्वल टू प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो x इक्वल टू टू इसका क्या है रूट है x इक्वल टू टू रूट है टू स्क्वायर प्लस टू पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो क्या आ गया फोर प्लस टू पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो तो क्या आ गया फोर प्लस टू पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो आ गया क्या आ गया फोर प्लस टू पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। एक लिमिट है लिमिट एक्स टेंस टू पी। अब क्या सवाल है मेरा यह है अब मुझे इसकी वैल्यू लिमिट निकालनी है इसकी लिमिट निकालनी है लिमिट एक्स टेंस टू टू पी एफ एक्स क्या की निकालनी है एफ एक्स यहाँ की निकालनी है हम ये एफ एक्स पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है ये अगर एक्स इज नॉट टू ये लिखेंगे किसकी वैल्यू निकालनी है वन माइनस कोस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स पी प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एट क्यू प्लस फिफ्टीन अपॉन x माइनस टू पी का होल स्क्वायर या अच्छा देखो ये है क्यू स्क्वायर देखो ये है क्यू स्क्वायर प्लस ये है क्यू स्क्वायर प्लस एट क्यू प्लस फिफ्टीन ये आ गया क्यू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई टू एट टू यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्यू प्लस फोर का होल स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ये जो है ये सारा जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया क्या आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ठीक है। ये क्या आ जाएगा लिमिट अच्छा ये सब मिटो तो क्या जाएगा ये क्या लिमिट एक्स टेंस टू पी एक्स टेंस टू टू पी क्या आ गया वन माइनस कोस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स पी प्लस पी प्लस टू का होल स्क्वायर पी प्लस बल्कि
क्यू प्लस फोर, क्या है क्यू प्लस फोर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू पी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां पर बात सुनोगी। अच्छा, और यहां क्यू प्लस फोर कहेंगे इक्वल हो जाएगा यहां से माइनस टू पी, क्यू प्लस फोर कहेंगे इक्वल हो जाएगा यहां से माइनस टू पी। तो लिमिट एक्स टेंस टू पी क्या होगा, वन माइनस कोस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स पी, ये क्यू प्लस फोर कहेंगे माइनस टू पी, माइनस टू पी का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस फोर पी स्क्वायर, प्लस फोर पी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू पी का होल स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू पी, ये फिर देखो फॉर्मूला भैया, ये है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्या आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आ गया लिमिट ए माइनस बी का वन माइनस कोस एक्स माइनस टू पी का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू पी का होल, ये आ गया वन माइनस एक्स पी का होल की पावर फोर। और देखो ये जो है इसको जो है ये स्क्वायर है ये टू आ गया, तो ये गलत आ गया, तो ये है इक्वल टू लिखा दो वन माइनस कोस अपॉन स्क्वायर हाफ होता है, तो इसको जो है इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे है थोड़ी गलती हो गई, तो क्या मान लेंगे तो ये फोर मान लेंगे, क्या मान लेंगे यहाँ फोर, क्या मान लेंगे यहाँ फोर, ये फोर आएगा सर। ठीक है, और इसको जो है x माइनस टू पी को क्या मान लेंगे, दैट x माइनस टू पी इक्वल टू थीटा, x माइनस टू पी को क्या मान लूंगा मैं यहाँ थीटा मान लूंगा, x माइनस तो थीटा टेंस टू क्या लिमिट लिमिट थीटा टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन इक्वल टू ठीक है भाई, ये थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गया था भाई इसी वजह से। ठीक है, तो ये जो है अच्छा, तो एक्स माइनस टू पी को क्या कर लूंगा मैं थीटा मान लूंगा, क्या मान लूंगा एक्स माइनस टू पी को क्या मान लूंगा मैं, बल्कि इसका ना मान के स्क्वायर को ही मान लूंगा, क्या मान लूंगा स्क्वायर, स्क्वायर को क्या मान लूंगा थीटा मान लूंगा, तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, तो ये क्या आ जाएगा वन कोस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो वन माइनस कोस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा वन माइनस। ठीक है भैया, ये क्या है लिमिट लिमिट थीटा टेंस टू जीरो वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई भैया हाफ आ गई, कितनी आ गई वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हाफ आ गई, कितनी आ गई हाफ। और ये ध्यान रखना है, ये सारा ध्यान रखना है इसमें ब्रैकेट क्योंकि ये इस वजह में ब्रैकेट में था ये, तो इसकी क्या आएगी हाफ, ये हाफ है तो एक से जो कम है तो इसकी लिमिट क्या आएगी कम वन, आई बात नहीं भाई आई नहीं है। देखो भाई किस तरह करते हैं, देखो ये सवाल लेट एक्स इक्वल टू टू द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो एक्स, और ये कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, ये वाला फंक्शन है ये एक्स नॉट इक्वल टू टू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो है अगर एक्स इक्वल टू टू पी एच, इसकी एक्स इज इस ये फंक्शन है एक्स टेंस टू टू बी एफ एक्स ग्रेटेस्ट
फंक्शन है, तो इसकी जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी वन माइनस कोस एक्स क्या है, इसकी वैल्यू ये नीचे पहले टूटा ही फोर ही कर देंगे, यही निकलेगा ठीक है। ये आ अब ये जो है एक्स इक्वल टू टू के लिए जो है रूट है इसका, तो इसको लिख के एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू निकल गया, ये आ गई, ये मान लिए ये आ गई एक लिस्ट, ये इसको सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो फिर मैंने एक्स टेंड्स टू इस पे एफ एक्स पे ये फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, कहीं ना कहीं ये एक ब्रैकेट भी है ये यहाँ, लेकिन इसको हटा दें बाद में लगा देंगे ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, अब ये देखा मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां से क्यू प्लस फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू पी, यहाँ माइनस टू पी का होल स्क्वायर है, माइनस टू पी का होल स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा ये फोर पी स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये फोर पी स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ ये ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स की, फिर ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, क्या आ गया वन माइनस कोस एक्स माइनस टू पी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू पी के पावर फोर। अब ये एक्स माइनस टू पी का स्क्वायर को क्या मान लूंगा मैं, थीटा मान लूंगा, एक्स माइनस टू पी स्क्वायर को क्या मान लूंगा, थीटा मान लूंगा, तो ये जो है वन माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर, यानी वन माइनस कोस एक्स अपॉन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ रही है, और ये मोड में है, ये ग्रेटर है, तो हाफ से एक से कम है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी ठीक है भाई। सही बात में ठीक है। अब अगला सवाल लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, एक्स टेंस टू पाई बाई टू टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स प्लस सिंपल की ब्रैकेट, टेन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, टेन स्क्वायर एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस फोर प्लस फोर का हाफ माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स साइन एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स सिक्स साइन एक्स प्लस टू, ये इसकी भी हाफ है, इसका भी हाफ है, दोनों जगह क्या है, इसका भी हाफ है और इसका भी हाफ है, ये लिमिट है। एक्स टेंस टू पाई बाई टू ये टेन स्क्वायर एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स साइन एक्स प्लस टू, इसकी क्या निकालनी है, देखो भाई अब ये अगर आ गया है ये, इसका सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसको रैशनलाइज करता हूँ, क्या करता हूँ इसको मैं रैशनलाइज लेने की कोशिश करता हूँ, क्या करता हूँ इसको रैशनलाइज करता हूँ, किसको करता हूँ लिमिट, अगर ऐसा आ जाए मैं बताता हूँ रूट में आ जाए, तो हमने चेक पहले कहा था जैसे रूट ए वन प्लस ए टू था ये वाला, तो इसको भी हमने क्या करता है रैशनलाइज करता, ठीक ही तरह इसे भी मैं क्या करता हूँ रैशनलाइज करता हूँ, क्या करता हूँ सबसे तुम्हें लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू
स्क्वायर एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस फोर की पावर हाफ माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स साइन एक्स प्लस टू की हाफ, ये क्या आ गए, ये सिर्फ ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर ये पूरी जगह टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस फोर ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स साइन एक्स प्लस टू की पावर हाफ है भाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा नीचे, टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस फोर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सिक्स साइन एक्स प्लस टू की पावर फोर हाफ, इन सभी दोनों की पावर हाफ, ठीक है भाई। देखो जब इसकी पावर हाफ है, चाहे इसको रूट कह दे, एक ही बात है। देखो जब ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ये यहाँ ये भी रूट है, रूट का स्क्वायर क्या आ जाता है, हमेशा जो है रूट क्या है इसमें से खत्म हो जाता है, क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, हमेशा रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस फोर इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स साइन एक्स माइनस टू माइनस सिक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स साइन एक्स अपॉन टू अपॉन, ये क्या आ जाएगा, ये देखो भाई ये आ गया, ये आ गया भाई इसको रूट में लिख दो, कोई एक ही बात है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू है, ये टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, ये प्लस के साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और ये टेन स्क्वायर एक्स चला आ रहा है, ये टेन स्क्वायर एक्स चला आ रहा है, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, ये क्या टू साइन स्क्वायर एक्स में से जाके साइन स्क्वायर एक्स प्लस के थ्री साइन एक्स माइनस के साइन एक्स माइनस के थ्री साइन एक्स माइनस के थ्री साइन एक्स प्लस के फोर माइनस के टू क्या आ गया, प्लस के टू अपॉन, अच्छा अब इसमें से ये प्लस के हैं, इसमें लिमिट रख देता हूं उसकी, तो टू साइन स्क्वायर फाइव बाई टू, साइन फाइव बाई टू वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा वन होती है, याद रखना, तो ये तो होगी याद, क्या आगे इसकी आगे रूट टू, यहां से रूट टू प्लस थ्री प्लस फोर, इधर से क्या जाएगा प्लस के, यहां से वन प्लस सिक्स प्लस टू क्या आएगा, वन प्लस सिक्स प्लस टू, ये क्या जाएगा, ये क्या ए स्क्वायर माइनस थ्री साइन ए स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, यानी टू के ऐसे फैक्टर है जिनका योग क्या हो, सब थ्री वही है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो क्या जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू टेन स्क्वायर एक्स क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस टू अपॉन, ये क्या आ जाएगा रूट थ्री टू थ्री फाइव फाइव फोर नाइन, रूट नाइन प्लस रूट
नाइन, रूट नाइन प्लस के नाइन। अच्छा अब इसको क्या कर देता हूं मैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स, ये आगे साइन एक्स दोनों से कॉमन लेके क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉमन लेके साइन एक्स माइनस टू, साइन एक्स माइनस के टू और माइनस वन कॉमन लेके साइन एक्स माइनस टू अपॉन रूट नाइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री, रूट नाइन की वैल्यू थ्री, थ्री 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 प्लस थ्री क्या आ गई हो, अपॉन सिक्स क्या आ गई हो, अपॉन सिक्स आ गए। अब देखो कि अब इसमें साइन एक्स माइनस टू दोनों में से कॉमन लेके आ जाएगा साइन एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू साइन एक्स माइनस वन साइन एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स जरूरत में है ही, और अपॉन क्या आ गया सिक्स या वन बाई शून्य लिख लो। ठीक है भाई, यहां तक की बात नहीं होगी, इसको क्या कर लिया मैंने, टेन स्क्वायर तो नीचे क्या लिखा है, कोट स्क्वायर एक्स क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू वन बाई सिक्स बाहर आ गया, क्या आ गया साइन एक्स, साइन एक्स माइनस टू अपॉन ये नीचे क्या आ जाएगा, ये कोट स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को नीचे क्या लिखेंगे, ये कहीं कर दूंगा इसको कोट एक्स स्क्वायर एक्स, कोट एक्स स्क्वायर एक्स, और कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, वन प्लस जो होते हैं ना, वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर एक्स क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू साइन एक्स माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी कोसेक एक्स प्लस वन और कोसेक एक्स माइनस वन। ठीक है भैया, इसको कोसेक एक्स क्या कर दूंगा मैं, साइन में बदल दूंगा, कोसेक क्या बदल दूंगा मैं, इसको साइन में बदल दूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू वन अपॉन सिक्स साइन एक्स माइनस वन साइन एक्स माइनस वन साइन एक्स माइनस टू, इसे क्या करना वन अपॉन साइन एक्स प्लस वन, ये क्या होगा वन अपॉन साइन एक्स माइनस वन। देखो ये क्या आ जाएगा यहां से वन प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा वन इधर आ गया वन माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या कहाँ से जाएगा ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई थ्री, ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस वन साइन एक्स माइनस टू अपॉन साइन एक्स प्लस वन वन माइनस साइन एक्स। देखो ये आ गया, और ये देखो भाई अब देखो ये है साइन एक्स माइनस वन, ये है वन माइनस साइन एक्स, इसे करने के लिए फिर माइनस कॉमन लेके यहाँ क्या आ जाएगा, ये इसको ऐसा ही कर दू मैं माइनस साइन एक्स बना लू, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये माइनस की वन बाई सिक्स आ जाएगा, माइनस की वन बाई सिक्स आ जाएगा, इसको ऐसा बनाने के लिए माइनस साइन एक्स प्लस के वन, इससे जाएगा इससे ये गया, इससे ये गया, तो क्या बच गया, ये क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है,
इससे ये आ गया साइन एक्स माइनस टू होम साइन एक्स प्लस वन, देखो अब यहां से क्या रखूंगा, जब यहां करेंगे पाई बाई टू, जब लिमिट रखूंगा पाई बाई टू माइनस वन, वन माइनस टू माइनस वन, और यहां से वन अपॉन वन प्लस वन, वन अपॉन टू, तो क्या आ जाएगा लिमिट, ये क्या आ गई वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स मल्टीप्लाई वन, ये माइनस क्या है माइनस वन इंटू मल्टीप्लाई टू, तो क्या आ गया वन अपॉन ट्वेल्व आ गई, क्या आ गई वन अपॉन ट्वेल्व आ गई, लिमिट कितनी आ गई इसकी वन अपॉन ट्वेल्व आ गई। देखो भाई क्वेश्चन क्या था मेरा, ये जो है ना, देखो ये देखो, एक लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स पावर ये हाफ, इसकी पावर ये हाफ थी, और इसका जो है क्या है एक्स टेंस टू पाई बाई टू के लिमिट जो है ये निकालना था, इसकी लिमिट निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी लिमिट। अच्छा ये जो फंक्शन है मैंने इसको पहले रैशनलाइज कर दिया, जैसे ऐसे है ये रूट एक्स प्लस रूट वाई जो भी होगा, लेकिन बड़ा पड़े है। अच्छा तुम कहोगे अगर इसको टेन स्क्वायर एक्स को नीचे ला दिया मैं कोट स्क्वायर कर दूंगा, फिर अगर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहे नहीं लग सकता, लगेगा तो इसमें जीरो बाई फॉर्म की आ जाएगी ये फॉर्म, लेकिन जो इसका डिफरेंशियल करूंगा बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए हर क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल नहीं अप्लाई होता है, अप्लाई तो हो जाता है उनको, बहुत इजी नहीं होता, बहुत और को हार्ड बना देता है, उस हार्ड को सोल्व करने के, उस हार्ड को कम करने के लिए हम जो है इस फंक्शन को सबसे पहले क्या करते हैं रैशनलाइज करेंगे, इस फंक्शन को क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। देखो अगर इसको मान लिया नीचे के आंसर में क्या बचा था फोर्टी स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू इनकी सबकी वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ एक्स टेंस टू पाई बाई टू, इससे ये कट जाता है, ये क्या आ जाएगा देखो टू टू प्लस थ्री प्लस फोर क्या आ गया टू थ्री फाइव नाइन माइनस नाइन नाइन रूट जाएंगे रूट जाएगा और नीचे जीरो पॉइंट जीरो बाई फोर मांगी, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाना बहुत मुश्किल पड़ता है इसका डिफरेंशियल करना, ये फंक्शन है साइन का तीन फंक्शन है इसकी हाफ है बहुत लंबा पोटेंशियल पड़ता, तो इसको कम करने के लिए हमको जैसे रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ठीक इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके साइन से ऊपर नीचे क्या आगे मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये भी कर दिया ये भी कर दिया, ठीक ठीक है भाई। अब क्या करा मैंने, अच्छा ये टेन स्क्वायर एक्स चली रहा था मैं, अच्छा जब मैंने इसको करा ये हो गया ए प्लस बी, क्या ये ए प्लस बी, ये क्या ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर, और ये रूट ए है तो रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर क्या होता है रूट ए मल्टीप्लाई ए, तो क्या आ गया ए, ये तो ए आ जाएगा, ये तो सारा क्या आ गया ए आ गया ये, और माइनस के पी माइनस के बी ये रहा माइनस के बी ये रहा, बाहर माइनस होगा अंदर के साइन खोल दूंगा। अच्छा जब ये नीचे आ गई प्लस वाला, अब इसमें क्या करूंगा मैं सीधी लिमिट लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा इसको लिमिट लगा दी, इसमें लिमिट लगा के आ गया देखो टू प्लस थ्री प्लस फोर बाहर रूट आते ये रूट आ जाएगा यहीं भी, ठीक है इसका यहाँ आ गया ये, फिर इसके यहाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया इसके फैक्टर के टू के फैक्टर इनके थ्री टू वन थ्री के, ये इसके जो है ये आ गए साइन एक्स माइनस टू ये। अच्छा ये टेन स्क्वायर एक्स था ऊपर, इसको नीचे कहाँ लगा दूंगा मैं, ये नीचे कोट स्क्वायर एक्स लिख गया था, कोट स्क्वायर एक्स आ गए कोट स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये होता है ना वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये होता है ना ये फॉर्मूले थे यार, ये एक बार जोड़ दूंगा एक बार घटा दूंगा इसको यही आ गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर मुझे ऐसा ऐसा चाहिए था साइन एक्स माइनस वन, और यहाँ से आ रहा था वन माइनस साइन एक्स माइनस, इसको माइनस कॉमन लेके वन माइनस साइन एक्स ऐसा बना दिया, इससे कट गया, फिर इसमें लिमिट रखूंगा यहाँ के वन साइन एक्स की वैल्यू क्या है वन साइन पाई बाई टू वैल्यू वन माइनस टू माइनस वन, यहाँ से क्या आ जाएगी वन प्लस वन टू आ जाएगी, तो टू अपॉन माइनस वन माइनस वन आ जाएगी, वन प्लस वन टू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा माइनस वन, वन की वन मल्टीप्लाई सिक्स टू का टू है, तो माइनस वन टू प्लस के क्या आ गया वन अपॉन ट्वेल्व, ठीक है भाई आई बात सुनिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो कोस साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर। देखो इस इसकी भी लिमिट निकालनी है, इसकी लिमिट निकालने के लिए पहले क्या कर दूंगा, एक अगर देखो एलो देखो क्या कोस जीरो साइन जीरो जीरो कोस जीरो वन कोस जीरो वन वन माइनस वन जीरो जीरो पॉइंट जीरो बाई फोर में आ गई, लेकिन इसका जो डिफरेंशियल है बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक नहीं है, ये खत्म नहीं होना है तो ये बड़ी दिक्कत पड़ती जाएगी, ठीक है। तो इसका तरीका है एक्स की पावर चार बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जब जाओगे, ये जब खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका क्या तो फिर मुझे है इसका सबसे आसान तरीका ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल लिया, क्या निकल लिया, कोस ये है कोस मान एक्स है, ये क्या है कोस वाई है, ये कोस सी है कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, क्या फॉर्मूला होता है कोस सी माइनस कोस डी, याद है टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला है। तो ये इसमें ये लगाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू साइन साइन एक्स प्लस एक्स, इसका एंगल जो है इस कोस का एंगल है यहां साइन एक्स, इस कोस का एंगल है एक्स अपॉन टू अब आगे साइन 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 एक्स माइनस एक्स अपॉन टू अपॉन एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो अब इसको क्या करता हूं मैं साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स क्या बना देते चाहूं साइन एक्स अपॉन एक्स बनाना चाहता हूं मैं, साइन एक्स का क्या एंगल है यहाँ साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन टू है साइन एक्स प्लस एक्स, तो इसको जो है इसके एंगल से ही ऊपर नीचे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा ताकि साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस एक्स, ये इधर क्या आ जाएगा ये इसी तरह सिमिलरली साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन टू भी आएगा, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन साइन साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन टू, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन टू, देखो भाई इसकी वैल्यू जो है क्या आ गई वन आ गई साइन एक्स अपॉन है एक्स टेंड्स टू जीरो आ गई साइन जीरो अपॉन जीरो इसकी वैल्यू क्या साइन है, इसी तरह ठीक इसी तरह इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन जीरो अपॉन जीरो इसकी वैल्यू आ गई वन, तो क्या बच गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू साइन
एक्स प्लस एक्स अपॉन टू मल्टीप्लाई क्या आ गई, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई, क्या आ गई, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन टू ये आ गई, ये आ गई एक्स टेंस टू जीरो। और इसके सभी नीचे क्या चल रहा है, वन बाई एक्स बाई फोर चली रहा था, ये यहां टू अपॉन एक्स की पावर फोर चली रहा है सभी नीचे, ठीक है भाई। देखो इसके क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स है, साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसको क्या कर दूंगा, इसके लिमिट बनाने के लिए इसके इसके नीचे एक्स लिख, देखो अगर इसमें लिमिट रखता हूँ एक्स टेंस टू जीरो, इसको खत्म कर दिया, साइन एक्स बच जाएगा, तो फिर एक एक्स को यहां दे देता हूँ, क्या आएगा टू साइन एक्स प्लस एक्स, देखो इस टू से ये टू बच जाएगा, ये वन बाई टू शुरू आ जाएगा, क्या आएगा ये वन बाई टू क्या आएगा शून्य आ जाएगा, ये साइन एक्स अपॉन एक साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या आ गया साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, क्या आ गया साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो अब जब इसमें लिमिट रखूंगा, जब इसमें लिमिट ये आ गया, ठीक है चलो, अब इसमें तो ये क्या आ गया, ये वन आ जाएगा, इसकी लिमिट रख के क्या आ जाएगा, देखो है ना साइन इसे तो जीरो हो गया, साइन एक्स अपॉन एक्स पहली लिमिट रख दूंगा, क्या आ गया साइन एक्स अपॉन एक्स कितना आ गया वन आ गया, तो वन बाई टू साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस क्या आ गया, ये क्या आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या आ गया साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर थ्री, फिर इसका जीरो बाई फॉर्म आ गई हो, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, इसको एल हॉस्पिटल लगा के आ गया, कोस एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो आ गया, ये क्या आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहां के बाद में आएंगे, फिर इसका एक और डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं, फिर जीरो बाई जीरो की लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये क्या आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन फिक्स एक्स, क्या आ जाएगा अपॉन थ्री एक्स, क्या आएगा सिक्स एक्स, क्या आ जाएगा सिक्स एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा सिक्स एक्स, क्या आ जाएगा ये वन बाई टू बाहर चले आ रहा है, ये क्या आ रहा है ये वन बाई टू बाहर चले आ रहा है, ये वन बाई टू भी बाहर आ गई, ये वन बाई टू भी बाहर आ गई, तो वन बाई टू ये हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या आएगा वन बाई सिक्स मल्टीप्लाई वन बाई टू, क्या आ गया वन बाई टू है, कोई एक हुआ है एक फॉर्मूला क्या, देखो क्या करा मैंने ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये वाला फॉर्मूला था, इसमें जो है मैंने कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा लिया, कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन ये होता है डी माइनस सी बाई टू, क्या चाहिए डी माइनस सी बाई टू, क्या चाहिए डी माइनस, सॉरी गलत हो गया, इसे कर देंगे माइनस, तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, ये क्या आएगा माइनस साइन एक्स प्लस के एक्स, ठीक ये आएगा माइनस साइन एक्स प्लस के एक्स, माइनस साइन एक्स
प्लस किया है, माइनस साइन है प्लस किया है, माइनस कोस एक्स प्लस के होल एक्स, ये क्या आएगा यहाँ साइन एक्स, क्या आएगा ये आएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसका, ठीक है। माइनस साइन एक्स प्लस के एक्स, माइनस के साइन एक्स प्लस के एक्स, माइनस के साइन एक्स प्लस के एक्स, याद देखो है। अब इसमें क्या लगा है, मैंने कोस सी माइनस कोटी का फॉर्मूला क्या लगा दिया, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, साइन सी प्लस डी बाई टू साइन एक्स प्लस एक्स होल टू साइन माइनस डी माइनस सी, या क्या कह सकते हैं इसको एक्स माइनस साइन एक्स, क्या बोलते हैं एक्स माइनस साइन एक्स होल टू। अच्छा ये नीचे एक्स बहुत फोर चलेगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस, अच्छा ये जो आ गया है मेरे पास साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू, इसको साइन इसको पूरे को अगर थीटा मान लू है थीटा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं क्या आएगा साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू, ये क्या गया माइनस साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू, ये आ गया ठीक है। अब इसके जो है इसके एंगल से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन थीटा कौन थीटा जी बनाने के लिए, अब जब इसको करूंगा ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, ये क्या बच जाएगा ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू, क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस के एक्स बाई टू, क्या हो जाएगा साइन ये तो क्या आ गई, ये तो इसकी जो है वन हो गया ऊपर है साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू, इससे टू जाएगा नीचे साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू। अच्छा अब इसको एक्स की पावर फोर को क्या कर लिया एक्स इंटू एक्स क्यूब, ये रहा एक्स इंटू एक्स क्यूब रखा है, इसको लिमिट जब लगाऊंगा ये तो जीरो हो जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स ये तो वन क्या जाएगा वन बचेगा, क्या बचेगा माइनस साइन एक्स प्लस के एक्स क्यूब, क्या बचेगा माइनस के साइन एक्स प्लस के एक्स क्यूब बच गए हैं। ठीक है भाई क्या गया माइनस के एक्स क्यूब प्लस ये बचेगा, अब इसको क्या करूंगा मैं इसको साइन एक्स प्लस एक्स क्या आगे ये आगे, अच्छा ये क्या साइन माइनस साइन एक्स प्लस के एक्स अपॉन एक्स क्यूब ये बचेगा माइनस साइन एक्स प्लस के एक्स क्यूब ये, अब इसको फिर जो है ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ये क्या आ गया थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर ये वन बाई टू बाहर चली रहा है, तो क्या आएगा ये वन बाई टू जो बाहर जो कर दूंगा लिखा मैंने ये, तो इसको क्या कर दूंगा इसको वन माइनस कोस एक्स फोन, तो वन माइनस वन जीरो फिर एक बार कर दिया कोस का जगह साइन, ये क्या प्लस के साइन एक्स अपॉन सिक्स एक्स, इसकी साइन एक्स अपॉन एक्स फिर जीरो हो गया, ये आ गया वन बाई टू बचा ये वन बाई टू, तो क्या आगे इसकी लिमिट वन बाई टू एक्स, आगे बात सुनिए भाई आगे बढ़े। देखो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी
कंटिन्यूटी टॉपिक है, क्या है कंटिन्यूटी, क्या है नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी देखो मान लिया कंटिन्यूटी एट द पॉइंट, एट द पॉइंट किसी पॉइंट पे निकाल लिया हमारे कंटिन्यूटी, मान लिया एक्स इक्वल टू ए पे निकाल लिया कोई और फंक्शन है एफ एक्स, ये कंटिन्यूटी होता क्या है, ये कंटिन्यूटी जो एक्सपेंशन है, लिमिट है, लिमिट का एक एक्सपेंशन है थोड़ा सा, वही क्या है कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए लिमिट का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, इसकी कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है, कोई फंक्शन है एफ एक्स का है, ये है लिमिट, चलिए की लिमिट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। अच्छा जब इसकी हम लिमिट निकालते थे किसी फंक्शन की, शुरू में हमने पढ़ाया तो उसकी दो होती थी, और एक तो होती थी एल एच एल, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या होती थी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, क्या होती लिमिट एफ टेंड्स टू ए एफ एक्स, और एक क्या होती थी लिमिट आर एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ये होती है इस लिमिट जब हम करते थे कि अगर अगर ऐसा क्या हो जाता था, लिमिट में क्या करता था, अगर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, दोनों क्या होने चाहिए फाइनाइट हो जाए, क्या हो जाए फाइनाइट हो जाए, तो लिमिट क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट इफ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल आ जाता, देन वी कैन से लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट वी से, वी से, वी से, देन V से, then V से लिमिट एग्जिस्ट इफ एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, एक फाइनाइट नंबर आ जाता है तो क्या कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। अब इनके लिए फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी, फॉर फॉर कंटिन्यूटी क्या आता है, यानी कि एल एच एल इक्वल टू एल एच एल, किसकी एल एच एल, किसकी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, आर एच एल, और दोनों जो है एफ एक फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू क्या चाहिए फाइनाइट, ये जो होती है ये कहलाती है कंटिन्यूटी, ये क्या कहलाती है, क्या आते हैं कंटिन्यूटी, ये क्या कहलाती है कंटिन्यूटी एट एक्स ए, कंटिन्यूटी फाइनाइट कहलाती है कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू है। कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है एफ एक्स है, कोई फंक्शन क्या है एफ एक्स है, मुझे चेक करना है कंटिन्यूटी एफ इक्वल टू ए पर, एफ इक्वल टू ए पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो निकाल दूंगा पहले मैं जो है कि एल एच एल देख लूंगा, फिर आर एच एल देख लूंगा, और दोनों क्या आने चाहिए फाइनाइट भी आने चाहिए, और जो फंक्शन की एफ एक्स जो है ए पर, एक्स इक्वल टू ए फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ए, वो भी तीनों जो है इक्वल होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द, और फाइनाइट हो चाहिए, दैट दैट ही कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अच्छा इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन ही सेड दैट वी कैन से द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का फंक्शन क्या, कंटिन्यूअस के लिए क्या डेफिनेशन हो गई कि कोई फंक्शन है उसी भी पॉइंट पर जो निकालना हो उसकी एल एच एल और आर एच एल, उस फंक्शन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए फाइनाइट होनी चाहिए, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज फाइनाइट, दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड दैट इज कॉल्ड द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस।
किस कंटिन्यूस के लिए क्या 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 वैल्यू फॉर बीफ फॉर दिस कंटिन्यूस फॉर दिस कंटिन्यूस फॉर दिस कंटिन्यूस के लिए क्या प्रॉब्लम है। देखो भाई पहले क्या करते हैं, मतलब क्या क्या कंडीशन हो सकती है, इसकी चार कंडीशन होगी। कितनी कंडीशन होगी डिसकंटिन्यूस के लिए, चार। कौन कौन सी होगी? जो इसकी एलएचएल है, क्या इसकी क्या है, एलएचएल है, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, या क्या कहते हैं उसकी एलएचएल, क्या कहते हैं उसकी एलएचएल। और फिर क्या कहते हैं, लिमिट एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये कहते हैं उसकी आर एच एल, क्या कहते हैं इसकी आर एच एल, ये एफ एक्स, ये कर दो। क्या दोनों क्या हो, ये दो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या कर दो, एग्जिस्ट कर दो, क्या कर दो, ये एग्जिस्ट बट नॉट वैलिड, यानी किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है, अगर इक्वली होती तो क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अगर अगर ऐसा हो जाए भाई, यानी लिमिट दूसरा क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इन क्या है, एल एच एल क्या है, ये एल एच एल है, ये क्या है आर एच एल, क्या है आर एच एल है, ये एग्जिस्ट एंड इक्वल, एग्जिस्ट एंड इक्वल, दोनों एग्जिस्ट भी करी और दोनों क्या है इक्वल भी है, बट नॉट इक्वल टू एफ ए, बट नॉट इक्वल टू एफ ए, जो फंक्शन की जो वैल्यू है इसके इक्वल ना हो, ये दोनों लिमिट इक्वल तो है, एग्जिस्ट भी करी है, लेकिन जो है इसके इक्वल ना, सी सी कंडीशन, तीन तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ए इज नॉट डिफाइंड, जो फ्रैक्शन की वैल्यू है एफ ए इज नॉट डिफाइंड, जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ए इज नॉट डिफाइंड, अच्छा अब ये जो लिमिट है कितनी लिमिट, इसकी इसकी इनमें से एक लिमिट जो है एग्जिस्ट करने के लिए एट लीस्ट वन लिमिट, एट लीस्ट वन लिमिट, एट लीस्ट वन लिमिट ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट, डी एन ई मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये चार कंडीशन हो गई है, इनके ऊपर जो एग्जाम्पल भी सेट करेंगे चारों के ऊपर। देखो कोई फंक्शन है एफ एक्स है, कोई फंक्शन क्या है, मान लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है फंक्शन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है कोई, और एक्स इक्वल टू ए पर इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है मुझे। कंटिन्यूस कंटिन्यूटी तो वही थी कि जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है और उसकी फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर ही एफ ए की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और कहनी चाहिए फाइनाइट, दैट इज सॉल्व, नहीं तो होगी बात सुनिए। अब अगर ऐसा हो जाएगा
इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो पर नॉट इक्वल, एग्जिस्ट हो लेकिन क्या है नॉट इक्वल, एग्जिस्ट हो बट नॉट इक्वल, एग्जिस्ट हो बट नॉट इक्वल। ये अगर ये एल एच एल और ये आर एच एल एग्जिस्ट हो इक्वल हो बट नॉट इक्वल एफ ए इस फंक्शन की इक्वल ना हो। अब यहाँ एग्जिस्ट तो है ये लेकिन दोनों ये इक्वल नहीं है। अब यहाँ दोनों में एग्जिस्ट भी है इक्वल भी है लेकिन फंक्शन के इक्वल नहीं है। तो ये जो ये तीसरा क्या है एफ ए इज नॉट डिवाइजिबल, ये फंक्शन की वैल्यू है यानी कि फंक्शन की एफ एक्स की वैल्यू एफ एफ इक्वल टू ए पर जो एफ ए है ये डिफाइंड ही ना हो, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म आता है ये जो है डिफाइंड ही ना हो। तो इसे क्या कहते हैं चौथा क्या है एट लीस्ट वन ऑफ द फंक्शन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एट लीस्ट वन ऑफ द फंक्शन लिमिट दो लिमिट हैं कौन कौन सी एल एच एल और आर एच एल, इन दोनों में से एल एच एल या आर एच एल में से एक लिमिट जो तो एक लिमिट या दोनों लिमिट जो है एग्जिस्ट ना करो दैट इज कॉल्ड द फॉर सच दैट टाइप इफ आर प्रेजेंट इन द क्वेश्चन दैट वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है भाई। अच्छा अगर मान लिया जैसे ये अच्छा अगर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा अच्छा ये सुनवा लो भाई बोलो समझ में आ गया तो देखो भाई रब कर दो अब जो है हम जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं किसी फंक्शन है। मान लिया ये कोई फंक्शन है एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मान लिया ये कोई एक ये लाइन है यहाँ जो ए पर इस पे ये ए पे है यहाँ पे जो इसकी जो लेफ्ट है ये कहलाती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाई हुई लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एक्स टेंड्स टू ए माइनस ए इधर की ये जो लिमिट है ये लिमिट है यहां से यहां तक क्या कहलाती है आर एच एल एक्स टेंड्स टू एक्स की है यानी इफ यू फंक्शन है ये वाली इसकी वैल्यू क्या कहलाएगी एफ ए क्या हुई एफ ए ये इसकी ग्राफिकल इंप्लीमेंटेशन है इसके इस पे एफ ए यानी अगर ये एल एच एल यहां तक इससे पहले पहले ये यहां से आस पास भी है यहां पर एल एच एल और इसके क्या है ये आर एच एल का भी लेफ्ट के राइट में ये एल एच एल इक्वल टू आर एच एल और इसकी फंक्शन भी क्या कह दिया जाए एफ ए फंक्शन की ए के इक्वल और कह दिया जाए एग्जिस्ट हो जाए कहती हो जाए एग्जिस्ट भी हो जाए और साथ में क्या हो जाए फाइनाइट इसकी वैल्यू कितनी आ जाए अच्छा अब इसके जो है ये इसके ऊपर जो है ये चारों के डिसकंटिन्यू कल को चेक करेंगे। ठीक है कोई प्रॉब्लम तो आज के लिए भाई इतना ही ठीक है।
कल गुस्से लगाएंगे वो, ठीक है। थैंक्स, कल मिलते हैं, ठीक।